के इंडिया गेट के बाद हम अमृतसर के ओवरनाइट जर्नी के लिए रवाना हो गए। हेलो गाइज, आज नॉर्थ ट्रिप का सेकेंड डे है और आज जो कुछ भी हुआ वो हमारे दोस्त धीरज सातपुते हमें बताने वाले हैं। बहुत बढ़िया था। फिर हमने इंडिया गेट देखा और अब जो हम ढाबे पे रुके हैं उसका नाम क्या है, मामा ढाबा, शिवा ढाबा। भी ठीक था तो अपन आप अमृतसर के लिए रवाना होने वाले थोड़ी देर। तो बस की ओवरनाइट जर्नी के बाद लगभग 11 बजे हम अमृतसर पहुंच गए। होटल दीव सैलो रॉयल सूट्स में लंच करने के बाद हम अटारी बॉर्डर निकल गए। हेलो गाइस, मायसेल्फ अनिकेत काटे। तो आज हमारा सेकेंड डे, हमने दिल्ली से ट्रैवल किया और हम यहाँ सुबह 11 बजे पहुंच गए। फिर हमने यहाँ होटल दीव सैलो रॉयल सूट्स में स्टे किया, 1 से 3 बजे तक शायद हमने स्टे किया। फिर 3 बजे हमने लंच वगैरह किया, फिर उसके बाद हम अटारी बॉर्डर पे आ गए। इसे अटारी और वाघा बॉर्डर कहते हैं। यहाँ इंडिया के साइड में अटारी शहर लगता है और पाकिस्तान के सामने वाघा शहर लगता है, इसीलिए इसे अटारी और वाघा बॉर्डर कहते हैं। इस शो आधे घंटे चला, मतलब 4:30 से 5:30 बजे तक चला। इसमें हमने परेड देखा, यहाँ पे अपने इंडिया के सोल्जर्स और पाकिस्तान के सोल्जर्स एक दूसरे को एनर्जेटिक और मोटिवेशनल परफॉर्मेंस दिखाया। या हर एक जन भारत माता की जय ये नारा लगाया था। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। फिलहाल हम आप देख सकते हो ये है अटारी बॉर्डर। तो बोलो भारत माता की। तो अटारी वाघा बॉर्डर से सीधा हम अमृतसर के गोल्डन टेंपल जाने वाले हैं। तो फिलहाल हम अटारी बॉर्डर से अमृतसर के गोल्डन टेंपल यहाँ आ चुके हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। तो अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। सेम होटल में स्टे करके हम दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के बाद जालियांवाला बाग निकल गए। जालियांवाला बाग ना? हाँ उधर ही है ना। आती है क्या गोल्डन टेम्पल? वो बबल को पास पास। जालियांवाला बाग में अलग अलग गैलरीज है जिसमें जालियांवाला बाग
और पंजाब की अलग अलग जगहों की जानकारी दी गई है। इन गैलरीज में पंजाब के प्राचीन इतिहास से लेकर ब्रिटिश इतिहास तक सारी जानकारी बड़ी अच्छी तरह से चित्रित की गई है। जालियनवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। यहाँ पे आप टोटल 25 गोलियों के निशान देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं उसको शहीदी कुआ कहते हैं, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए इसमें कई लोग कूदे थे। ज्यादा लोग कूदने के कारण कुछ लोग शहीद हो गए। जालियनवाला बाग के बाद वापस से हम सुवर्ण मंदिर गए और वहाँ पे लंगर में प्रसाद लिया। अभी दोपहर का प्रसाद हो गया है और थोड़ी देर मंदिर के परिसर में बिताने के बाद हम धर्मशाला के लिए रवाना होने वाले हैं। धर्मशाला जाते वक्त रास्ता घाट से है और सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है क्यों? उसमें बहुत सारे टर्न्स है। थैंक्स टू आवर ड्राइवर जिन्होंने बढ़िया ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए हमें होटल पहुंचाया। धर्मशाला में हमारे होटल से 1 किलोमीटर के दूरी पे हमें छोटी बसेस अलॉट की गई है जिनमें 12 का ग्रुप बैठ सकता है। हम धर्मशाला पहुंचते ही डिनर करके बाहर टहलने के लिए निकल गए। अनुपम रिजॉर्ट जहां पे हमारा आज का स्टे है वो एक बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है और वहां से बहुत अच्छा व्यू आता है। पर शायद आपको व्यू के लिए अगले व्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। पर व्यू चाहिए तो फिर उस तरफ देखो। होटल का एम्बियंस और नाइट लाइटिंग भी बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ के भी रूम्स काफी बढ़िया और कम्फर्टेबल है और हर एक रूम को अलग से गैलरी है जिसमें से हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो कल तक के लिए गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल धर्मशाला और धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम के व्यू के साथ।